अगर गलती से एक्सपायर दवा खा ले तो क्या होगा? आखिर बाइक की डिस्क ब्रेक में ये छोटे छोटे होल्स क्यों बने होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कभी भी सिगरेट पर बैन क्यों नहीं लगाया गया है? अगर एक मच्छर किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को काट ले, उसके बाद वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो क्या होगा? सभी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 15। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपने ये पीली लाइन बनी हुई जरूर देखी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनी इस पीली लाइन का मतलब क्या होता है? चलिए बताते हैं। पैसेंजर्स अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के आने से पहले ही स्टेशन पर आ जाते हैं। ट्रेन का इंतजार करते करते कई पैसेंजर प्लेटफॉर्म के इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। बस यही देखते हुए रेलवे ने ये प्लेटफॉर्म के फर्श पर येलो कलर की पट्टी लगाई हुई है। इस येलो लाइन का मतलब ये है कि आपको इस येलो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये येलो लाइन उन लोगों के लिए भी काम आती है जो लोग नेत्रहीन यानी देख नहीं सकते। ये येलो लाइन फर्श से थोड़ा ऊपर की ओर निकली होती है। इस येलो लाइन पर पैर रखकर नेत्रहीन लोग पता लगा सकते हैं कि अब उन्हें इस लाइन से आगे नहीं जाना चाहिए। इस लाइन को क्रॉस करने पर आप रेलवे ट्रैक पर भी गिर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि अपने भारत में भी एक छोटा सा पाकिस्तान है। बिहार के पूर्णिया जिले के करीब 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर प्रखंड के सिंघिया में एक गाँव है जिसका नाम पाकिस्तान है। इस गाँव में लगभग 250 लोग रहते हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि पाकिस्तान देश में भी एक गांव है जिसका नाम बिहार है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है एक बच्चे को जन्म देते समय महिला को 20 हड्डियों को एक साथ टूटने जितना दर्द होता है? मतलब ये है कि शरीर की 20 हड्डियां टूटने में इंसान को जो दर्द होता है, उतना ही दर्द एक महिला को डिलीवरी के टाइम होता है, और दर्द को हमेशा डेल में नापा जाता है। 20 हड्डियां टूटना मतलब 57 डेल का दर्द होता है, लेकिन इसमें फैक्ट ये है कि पुरुष की सिर्फ 45 डेल तक ही दर्द झेलने की कैपेसिटी होती है। अगर 45 से 46 डेल दर्द हो गया तो पुरुष की डेथ हो जाती है, इसलिए महिलाओं को पुरुष से ज्यादा मजबूत और सहनशीलता वाला माना गया है। फैक्ट नंबर 12। क्या आपने कभी इस बात पर नोटिस किया है जब हमारे पास दो आंखें हैं फिर भी हम एक ही चीज को क्यों देखते हैं? जब दो आंखें हैं तो हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने ब्रेन की वजह से देखते हैं। हमारी आंखें हमेशा एक ही वक्त पर एक ही ऑब्जेक्ट को टारगेट करती हैं, लेकिन हमारी दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग छवियां बनाती हैं, या यूं कहें कि अलग अलग फोटो बनाती हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट की दोनों अलग अलग छवियां धुंधली यानी ब्लरी होती हैं, लेकिन हमारा ब्रेन इन धुंधली अलग अलग दोनों छवियों को मिलाकर एक कर देता है और छवि को क्लियर भी कर देता है। बस इसीलिए हम दोनों आंखों से एक समय पर एक ही ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है जापान ही एक ऐसा कंट्री है, अगर आप इस कंट्री की लिफ्ट में जाएंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर के बाद सीधा फिफ्थ फ्लोर देखने को मिलेगा। जापान में कई लिफ्ट ऐसी लगी हुई हैं जिनमें फोर्थ फ्लोर का बटन ही नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया में लोग कुछ डिजिट्स को अशुभ मानते हैं, बस इसी तरह जापान में कुछ जगहों पर लोग 4 डिजिट्स को अशुभ मानते हैं, और इसी वजह से जापान की कुछ लिफ्ट में 4th फ्लोर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 10। सभी बाइक की डिस्क ब्रेक में ये छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। बाइक की डिस्क ब्रेक पर बने ये छोटे छोटे होल्स एक खास तरह से काम करते हैं। दरअसल जब हम बाइक चलाते हैं तो डिस्क ब्रेक प्लेट ब्रेक पैड के बीचों बीच काफी स्पीड से घूमती रहती है, और बाइक चलाने के दौरान बार बार ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिस्क ब्रेक की प्लेट ब्रेक पैड के बीचों बीच रगड़ती रहती है, जिसकी वजह से डिस्क ब्रेक की प्लेट काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। इस प्लेट की गर्मी बाहर निकालने के लिए ये छोटे छोटे होल्स काम आते हैं, और ये होल्स प्लेट का टेम्परेचर कम करते रहते हैं। अगर डिस्क ब्रेक प्लेट में ये छोटे छोटे होल्स ना हो तो प्लेट ज्यादा गर्म होने की वजह से अपने आप ही टूट जाएगी, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। डिस्क ब्रेक में बने ये छोटे छोटे होल्स बारिश के मौसम में भी काफी काम आते हैं। बारिश के मौसम में बाइक चलाने पर पानी डिस्क ब्रेक की प्लेट और ब्रेक पैड में चला जाता है। उस समय ब्रेक लगाने पर डिस्क ब्रेक के प्लेट पर मौजूद पानी ब्रेक पैड से इन्हीं होल्स में आ जाता है, जिसकी वजह से प्लेट क्लीन हो जाती है और डिस्क ब्रेक प्रॉपर काम
करती रहती हैं। बस इसीलिए डिस्क ब्रेक की प्लेट में ये छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। फैक्ट नंबर 9, ग्रेविटी का फॉर्मूला देने वाले आइजैक न्यूटन भी इस बात को मानते थे कि साल 2060 में दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिर साल 2060 में दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी, इस बारे में न्यूटन ने नोट्स भी लिखे थे। उस समय भी न्यूटन मानते थे कि साल 2060 में हमारा सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी को ही निगल जाएगा और सूर्य हमारी पृथ्वी को जलाकर वापस खुद से अलग कर देगा और हमारी पृथ्वी एक वीरान प्लेनेट की तरह बस स्पेस में घूमती रहेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फैक्ट नंबर 8, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल, जिनका असली नाम दिलीप जोशी है, इन्होंने बखूबी जेठालाल का किरदार निभाया है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, जेठालाल के रोल के लिए दिलीप जोशी से पहले 5 और एक्टर्स को ऑफर मिला था, जिनमें से सबसे पहले योगेश त्रिपाठी को इस रोल का ऑफर दिया गया था, लेकिन इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। योगेश त्रिपाठी भाभी जी घर पर हैं सीरियल में बखूबी दरोगा जी का रोल प्ले कर रहे हैं। इनके बाद जेठालाल का रोल कीकू शारदा को ऑफर किया गया, लेकिन इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। इनके बाद अली असगर को भी ऑफर दिया गया था, लेकिन इन्होंने भी बिजी शेड्यूल के वजह से मना कर दिया। इनके बाद जेठालाल का रोल एहसान कुरैशी को ऑफर किया गया था, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया था। इनके बाद फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव को ऑफर दिया गया, लेकिन ये उस समय अपने फिल्मी करियर पर फोकस कर रहे थे, इसलिए इन्होंने भी मना कर दिया था। और सबसे आखिरी में जेठालाल का रोल दिलीप जोशी को दिया गया और दिलीप जोशी जेठालाल के किरदार के रूप में लोगों के दिलों में बस चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, स्विट्जरलैंड में आत्महत्या करने वाली मशीन का इन्वेंशन हो चुका है। मतलब ये है कि अगर स्विट्जरलैंड में किसी व्यक्ति को सुसाइड करना है तो इस मशीन का यूज करके सुसाइड कर सकता है। इस मशीन की खास बात ये है कि ये मशीन सिर्फ 1 मिनट में सुसाइड प्रोसेस को कंप्लीट कर देती है और इंसान को ना कोई दर्द होता है और ना ही कोई तकलीफ होती है। क्या बात है, साइंस हमें ठीक से जीना नहीं सिखा पाई, लेकिन इंसान को मारने की काफी अच्छी योजना बना रखी है। फैक्ट नंबर 6, आपने बचपन से देखा और सुना होगा कि मछलियाँ पानी में तैरती हैं और पानी मछलियों का घर भी होता है। लेकिन फैक्ट नंबर 5, अगर कोई मच्छर HIV पॉजिटिव व्यक्ति को काट ले, उसके बाद वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो क्या होगा, चलिए बताते हैं। जब कोई मच्छर HIV पॉजिटिव व्यक्ति को काट लेता है, उसके बाद वही मच्छर किसी नॉर्मल इंसान को काट लेता है, तो HIV वायरस नॉर्मल इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता है, क्योंकि मच्छर जब काटता है तो मच्छर अपने शरीर में मौजूद खून को इंसान की बॉडी में ट्रांसमिट नहीं करता है। मच्छर केवल अपनी लार को ही इंसान की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और मच्छर भी HIV से संक्रमित नहीं होता है, क्योंकि HIV वायरस मच्छर के पेट में जाने के बाद जिंदा नहीं रहता है। HIV वायरस मच्छर के पेट में मौजूद खून के साथ ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि मच्छरों के अंदर टी सेल्स नहीं पाए जाते। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने PK मूवी देखी है? वैसे तो ज्यादातर लोगों ने कॉमेडी मूवी PK जरूर देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को नोटिस किए होंगे कि इस मूवी में आमिर खान ने एक भी बार अपनी आंखों की पलकों को नहीं झपकाया है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है आखिर कभी भी सिगरेट पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? वैसे तो सिगरेट पीने से हर साल 3.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है और अमेरिका में ये संख्या लगभग 4.8 लाख है। सिगरेट पीने से लगभग 56 तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक का अहम रोल है। लेकिन फिर भी अब तक न जाने कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन सिगरेट इतनी हानिकारक होने के बाद भी इस पर बैन नहीं लगाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सिगरेट इंडस्ट्री भारत सरकार के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का टैक्स भरती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार सिगरेट पर बैन लगा दे तो लगभग 10 करोड़ भारतीय सिगरेट खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट की लाइन में लग जाएंगे और बस इसीलिए सरकार सिगरेट पर कभी बैन नहीं लगाती है। फैक्ट नंबर 2, आपने TV रिमोट पर बने इस ऑन ऑफ बटन को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है TV के रिमोट पर बने इस ऑन ऑफ बटन के साइन को कंप्यूटर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मतलब ये है कि कंप्यूटर में 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है और इसी 0 और 1 को बनाकर ऑन ऑफ के साइन को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 1, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा, अगर हम एक्सपायर दवा खा लें तो क्या होगा, चलिए बताते हैं। अगर एक्सपायर होने के बाद दवा को खाया जाता है तो दवा से होने वाले फायदे बहुत कम होंगे, लेकिन जो दवा के साइड इफेक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन मार्केट में कई ऐसी दवा होती है जो
एक्सपायर होने के बाद काफी जहरीली हो जाती हैं। लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाएं बनाने वाली कंपनी दवा की एक्सपायरी जिस डेट की होती है उस डेट से पहले की डेट लिखती हैं। जैसे कोई दवा 2023 में एक्सपायर होने वाली है तो उसकी एक्सपायरी डेट 2022 लिखते हैं। और ऐसी दवाओं को एक्सपायर होने के बाद भी खाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक्सपायर दवाओं को नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।